गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्लास सिक्स इंग्लिश रीडर द फर्स्ट चैप्टर टेरोज रिवार्ड वी हैव कंप्लीटेड. इस चैप्टर में टेरोज रिवार्ड में हमने जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ी जिसको आप बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, नैतिक मूल्य, सबसे पहले केयर फॉर योर पेरेंट्स, लव देम, टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स चिल्ड्रन, आपके छोटे भाई बहन, यंगर ब्रदर, रिस्पेक्ट योर एल्डर ब्रदर, ये चीजें हमने सीखी. आफ्टर एक्सरसाइज नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड. अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड, अगर हम इसको थोड़ा सा इजी वे में पढ़ें, अ लिटिल मतलब एक छोटा सा, एक अ लिटिल आ गया मतलब एक छोटा सा दाना, ग्रेन अनाज का दाना, अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड सोने का, एक अनाज का दाना जो सोने का है. दिस पोएम वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. यू नो रविन्द्रनाथ टैगोर, वेरी फेमस पोएट, स्कॉलिस्टिक, अ फेमस नोबेल प्राइज विनर. उन्होंने किताब लिखी थी गीतांजलि, उसके ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. और सबसे प्रमुख बात जो है कि भारत का जो राष्ट्रगीत है जनगणम राष्ट्रगान, वो नेशनल एंथम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. बहुत छोटी सी कविता है पर इसका सार जो है बहुत बड़ा है. द समरी ऑफ द पोयम इज समटाइम इट हैपन्स दैट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पाते. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं सके. आफ्टर रियलाइजेशन, जब हमें वास्तविकता मालूम पड़ती है तब हमें लगता है कि ओह अगर ऐसा हो जाता तो दैट कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो जाता या अरे वो बात टाली जा सकती थी, दैट केस कुड हैव बीन अवॉइडेड, इस टाइप की चीजें हैं. तो अ लिटिल ग्रेन जो पोएट है कवि, वो स्वयं अपने आप को पोएट बेगर बोल रहा है. पोएट बेगर, पोएट बेगर का मतलब होता है जो बेगिंग करते हैं, जो भीख मांगते हैं, वो पोएट बेगर. तो यहां पर बेगर जो है वो स्वयं कवि है. तो कवि बोला आई हैड गॉन अ बैगिंग, हैड का प्रयोग हुआ है पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन हो चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड गॉन, गॉन गो वेंट गॉन, गो went or gone. ध्यान से देखें तो ये तो हो गया वर्ड जिसको आप बोलते हो डिक्शनरी का वर्ड, बेस वर्ड, ये हो गया सिंपल पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल, बेस वर्ड सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो आई हैड गॉन, मैं जा चुका था. कौन बोला? पोएट. Poet said, I had gone a begging from door to door in the village path. मैं गांव के रास्ते पर जितने भी घर पड़ते थे सब घरों के आगे मैं भीख मांग चुका था. When die, thy die, ये word generally poet पोएट लोग यूज करते हैं, इसका मतलब डी होता है, इसका मतलब टीएचई डी होता है. बट पोएम अब यूज नहीं होता, पहले जो पोएम लिखी जाती थी उसमें दाय का प्रयोग होता था. व्हेन दाय गोल्डन चेरियोट अपीयर्ड, ओके गोल्डन चेरियोट, गोल्डन चेरियोट, गोल्डन चेरियोट मीन्स स्वर्ण रथ.
स्वर्ण मीन्स द चैरियट मीन्स रथ, गोल्डन मीन्स स्वर्ण से बना, सोने से बना। ऑब्वियसली स्वर्ण रथ कौन यूज करता था, कौन प्रयोग करता था? ऑब्वियसली गोल्डन चैरियट यूज बाय द किंग ऑफ द किंग, है ना, राजाओं का राजा, भगवान के भगवान। तो आप मान सकते हैं कि ही वॉज थिंकिंग, वो ऐसा सोच रहा है, द पोएट वॉज थिंकिंग कि सडनली ही सॉ, उसने देखा अ गोल्डन चैरियट डाय, द गोल्डन चैरियट अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, अपीयर से बना है, अपीयर दिखना, प्रकट होना। तो इसका जो थर्ड फॉर्म आ जाएगा या सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, चूंकि ये रेगुलर वर्ब है इसमें ईडी लगेगा, तो अपीयर ए डबल पी ई ए आर ई डी, ए डबल पी ई ए आर ई डी लग जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा अपीयर, है ना, प्रकट हुआ, अचानक गोल्डन चैरियट प्रकट हुआ। इन द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम, इन द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम, एक प्रकार का उसका एक सपना था, जो कवि का सपना था कि उसके सामने धीरे 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 वो डिस्टेंस जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है, पोएट बेगर और द गोल्डन चैरियट के बीच में, है ना। एंड जो जॉर्जियस ड्रीम एंड आई वंडर्ड हु वाज द किंग ऑफ ऑल द किंग्स, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने गोल्डन चैरियट में किसको देखा, किंग ऑफ ऑल द किंग्स, राजाओं के राजा, भगवानों के भगवान। आप कह सकते हैं कि वो भगवान कृष्ण हो सकते हैं या भगवान विष्णु हो सकते हैं, जो भी, या भगवान इंद्र हो सकते हैं, एनी गॉड होते हैं, तो राजाओं के राजा। सो इन द डिस्टेंस लाइक ए गॉर्जियस ड्रीम, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम डिक्शनरी पे जाते हैं, बहुत बढ़िया वर्ड है इसमें जो दिया हुआ है, वो यहां जो एक भव्यता होती है वो गॉर्जियस कहलाती है, जी ओ आर जी ई ओ यू एस, जी ओ आर जी ई ओ यू एस, गॉर्जियस, है ना, भव्य, बहुत ही सुंदर, जिसको देखने में आपको ऐसा लगे कि जैसे एक अलौकिक, अलौकिक आंखों को बहुत ही खुश करने वाला, लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम, उसके उस जो है ना उसका उसको लग रहा था कि मेरा सपना जो है वो सच होने वाला है, कहीं ना कहीं मुझे सब कुछ मिलने वाला है, बिकॉज हु हैज कम, कौन आया है गोल्डन चैरियट में, इन गोल्डन चैरियट द किंग ऑफ ऑल द किंग्स, राजाओं के राजा, भगवानों के भगवान अपीयर्ड, एंड आई वंडर से वंडर, सेम वही वर्ड आश्चर्यचकित हो गया, आई वंडर्ड, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, मैं बड़ा है ना विस्मित हो चुका था, आश्चर्य में था, हु वॉज द किंग ऑफ ऑल किंग्स, वो कौन थे चैरियट में, राजाओं के राजा। माई होप्स रोज हाई, Rose, स्पेलिंग ध्यान से देखना, आर ओ एस ई रोज, नॉट नाउन, यहाँ नाउन नहीं है, रोज इज अ वर्ब, एक होता है गुलाब के फूल को रोज कहते हैं, आर ओ एस, यहाँ ये वो रोज नहीं है, यहाँ राइज, रोज राइजन, राइज मतलब किसी चीज का बढ़ना, उदय होना, धीरे 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 उन्नत, है ना, उन्नत दर उन्नत ऊपर की ओर जाना, विकास, ये राइज होता है, जैसे आप बताओ ना सन राइजेस, सन उगता है ना, उठता है, इसका सेकंड फॉर्म हुआ रोज, उठा, प्रकट हुआ। तो माय होप्स रोज हाई, मेरी आशाएं बहुत ऊपर आ गई, रोज हाई मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि बस अब जो मैंने चाहा, वॉट एवर आई वॉन्टेड, जो मैंने चाहा था या जो मैंने अभी चाहा है, वॉट एवर आई वॉन्ट आई एम गेटिंग, मैं वह प्राप्त करने जा रहा हूँ या प्राप्त कर रहा हूँ। रीजन, मुझे कौन दिखा,
किंग ऑफ ऑल द किंग्स इन गोल्डन चेंजर, मुझे स्वर्ण के रथ में राजाओं के राजा या भगवानों के भगवान मुझे दिखे। माय होप्स रोज हाई एंड मी थॉट माय एविड डेज वर एट एन एंड। माय होप्स रोज हाई, मेरी आशाएं बहुत जागृत हुई, ऊपर उठी। एंड मी थॉट, और मैंने सोचा, थिंक का थॉट, टी एच आई एन के, थिंक इसका सेकंड फॉर्म थॉट, टी एच ओ यू जी एच टी, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल भी थॉट, टी एच ओ यू जी एच टी। सो मी थॉट, मैंने सोचा, माय एवरी डेज, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रकार का प्रोवर्ब है, एवरी डेज मतलब दुख भरे दिन, बुरे दिन, गरीबी के दिन, एविल का मतलब होता है आप कह सकते हैं दुष्कर, कष्ट, जैसे एविल का मतलब होता है दुश्मन, आप कह सकते हैं एविल डेज मतलब बुरे दिन या वो दिन, एविल डेज वो बुरे दिन जिन दिनों में कभी के पास न पैसा था, न खाने को कुछ था, न घर था, है ना, भीख मांग कर कभी अपना जीवन यापन कर रहा है। तो मी थॉट, मैंने सोचा, माय एविल डेज वर एट एन एंड, माय एविल डेज वर एट एन एंड, बस अब मेरे बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं या हो चुके थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब मेरे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। माय ऑल, है ना, ऑड डेज, इसको आप ऑड भी लिख सकते हैं, पूरे दिन ऑड डेज, है ना, और माय बैड डेज बुरे दिन, और माय पुअर डेज वो गरीबी के दिन, और माय हार्ड डेज, हार्ड हार्ड मतलब जो बहुत तकलीफ वाले दिन थे, सारे दिन अब बस खत्म ही होने वाले थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, आई थॉट, सो मी थॉट, है ना, माय एविल डेज वर एट एन एंड, एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर एम्स, एंड आई स्टूड एस ई डब्ल्यू डी, आई स्टूड वेटिंग फॉर एन एम्स, इसको बोलते हैं एम्स, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा क्या, एम्स जो आएगा, एम्स ए एनक का ए आदम हो और ज, एम्स, एम्स का मतलब होता है आप किसी को कोई फूड या मनी देते हैं ना बैगी में, जब आप भिखारी को जो भीख देते हो, तो इसको एम्स का मतलब होता है भीख, अब आप भीख में कुछ भी दे सकते हो, आपने उसको कपड़े दिए, आपने पैसा दिया या आपने खाना दिया, तो व्हाट ही सेड, आई स्टूड, स्टैंड का स्टूड, स्टैंड स्टूड स्टूड, ओके, स्टूड मतलब खड़ा, तो आई माय होप्स रोज हाई एंड मी थॉट माय एवरी डेज वर इट एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर एम्स, और मैं खड़ा होकर वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहा था, भीख का, कि वो राजाओं के राजा, किंग ऑफ द किंग, है ना, गॉड ऑफ द गॉड्स, मुझे कोई ना कोई भीख देंगे। सो अप टू हियर वी हैव लर्न दैट हाउ ही स्टार्टेड द पोएम। थैंक यू।